हाय फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं टिकिया, आलू की टिकिया। इसे आप होली में बना करके ऐसे भी खा सकते हैं और इसका आलू की टिकिया का चाट भी बना सकते हैं। आलू की टिकिया बनाने के लिए हमको लेना है चना दाल। चना दाल को बॉयल कर लेंगे और इस तरह से बॉयल करेंगे कि उसमें गले नहीं, पूरा मैश नहीं हो, थोड़ा सा खिला खिला रहना चाहिए। फिर कढ़ाई गर्म करके 1 चम्मच सरसों का तेल देंगे, 1/2 चम्मच हींग देंगे, 1/2 चम्मच गोटा जीरा देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके देंगे। फिर उसमें उसको थोड़ा फ्राई करेंगे और चना दाल को जो बॉयल करके रखी थी उसको हम इस टाइम पर दे देंगे। उसमें थोड़ा सा बॉयल किए हैं तो पानी रहेगा, पानी का मॉइस्चर को हटाने के लिए इसको इस तरह से 3 से 4 मिनट पहले हम इसको फ्राई करेंगे। जब इस तरह से चलाएंगे तब जो जितना उसका एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो जब सूख जाएगा तब हम उसमें कुछ मसाला देंगे। मसाला में देंगे नमक, नमक जब हम बॉयल किए थे तभी भी दिए थे, इसीलिए थोड़ा सा नमक कम देंगे। हल्दी पाउडर देंगे और लाल मिर्च पाउडर देंगे और 1 चम्मच चाट मसाला देंगे। बस मसाला में इतना ही देना है और मसाला को चना के दाल के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरह से जब चना दाल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम इसमें देंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। और उसके बाद स्टफिंग तो रेडी हो गया, अब हम उसके लिए डो बनाएंगे। तो आलू को पहले हम बॉईल करके ठंडा कर लिए हैं और इस तरह से आलू का कद्दूकस कर लिए हैं। 2 चम्मच लिए हैं चावल का आटा और 2 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें हमको पानी नहीं देना डो लगाने के लिए, आलू का जो मॉइस्चर है उसी से अच्छी तरह से डो बन जाएगा। और थोड़ा सा नमक देंगे और लाल मिर्च पाउडर देंगे, सबको अच्छी तरह से हाथ से मिलाएंगे। इतना दूर तक अगर आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और इस तरह से हाथ से मिला करके एक सॉफ्ट डो बनाएंगे इस तरह से। और जब डो अच्छी तरह से बन जाए तब हमको इस तरह से एक लीची पेड़ा जैसा लेकर के पेड़ा बना लेना है और उसमें ऐसे कटोरी का सेप दे देना है और उसके में 1 चम्मच जो स्टफिंग बनाई थी अभी चना दाल का उसको दे करके चम्मच का पीछे से इस तरह से प्रेस कर देंगे और तब मुँह उसका इस तरह से बंद कर देंगे और टिकिया का सेप दे देंगे। इस तरह से रेडी हो गया टिकिया। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम रिफाइंड तेल कढ़ाई में गरम करने के लिए रखे हैं। गरम हो जाने के बाद इस तरह से टिकिया को दे देंगे और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और लो रखेंगे उलट पुलट करके पेशेंस के साथ इसको फ्राई करेंगे। जब दोनों साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम मेरा टिकिया फ्राई हो गया।